मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो पाटिल समाज के एक कार्यक्रम का है, जिसमें बाला बच्चन बोल रहे हैं कि आप जो राशि मांगना चाह रहे हैं मैं उससे ज्यादा दूंगा, पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करो, अब हम मूर्ख नहीं बनने वाले। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा इसे पद का दुरुपयोग बताया है, जिसकी शिकायत वो राज्यपाल से करेंगे। बड़वानी में गृह मंत्री बाला बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो गांव के लोगों को कथित तौर पर कांग्रेस में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। यह वीडियो ग्राम पंचायत जलगौन पाटिल समाज के कार्यक्रम का है। इस वीडियो में बाला बच्चन बोलते नजर आ रहे हैं कि आप जो राशि मांगना चाह रहे हैं उससे ज्यादा दूंगा, पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करो, अब हम मूर्ख नहीं बनने वाले। हमने 50-50 करोड़ की सड़कें स्वीकृत कराई, जहां 700-700 वोट की लीड मिली, मांगलिक भवन और मंदिर के पैसे दिए, मंदिर में बैठकर कसम खाई और चुनाव आया तो सब हमारे खिलाफ हो गए। सनगांव, संगोदा, बिलवा, देव और रणगांव में पैसे दिए, सब हमारे खिलाफ गए। हमने 50-50 हजार के किसान के कर्जे माफ किए, लिस्ट लेकर आऊंगा, 50% लोगों का कर्ज माफ हुआ, हम तुम्हारे लिए सब करें और तुम फूल फूल करो तो हम मूर्ख नहीं बनेंगे। हालांकि उनके वीडियो के वायरल होने के बाद गृह मंत्री बाला बच्चन ने सफाई में कहा कि उनके शब्दों को गलत माना जा रहा है और वीडियो एक पार्टी की बैठक का था, जहां वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वास्तविकता वह नहीं है जो कहा जा रहा है। जो राशि मांगना चाह रहे हो मैं दूंगा, उससे ज्यादा दूंगा, लेकिन पहले आप विचार कर लो और पहले कांग्रेस ज्वाइन करो। ठीक है, उसके बाद, क्योंकि हमको इन सबको भी जवाब देना है, नहीं तो हम आप मूर्ख नहीं बनने वाले। सही सही बात है। हमने अभी 50 करोड़ की सड़कें इधर मंजूर करी, जहां हमको जो 600-700 करोड़ की लीड मिली, मेरे को इतना दुख हो रहा था जिस दिन गिनती चल रही थी कि हमने तुम्हारे जो वर्षों से जो मांगली भवन बिलवा में मैंने कष्ट भगवान के पैसे मंदिर के लिए राशि दी, और सब वो समाज के लोगों ने बैठ के इन चीजों को बोली थी जो देखते गाँव में क्या हुआ लोगों का। हम नहीं बदलते लोगों में पहले सोच और लोगों की यह है कि भाई नेता बदलते हैं, लेकिन देख लो यहाँ तो उल्टा हुआ है। तो पहले हमारे जाने के बाद इनको पक्के करो। मैंने अगर यहाँ कोई भी अभी घोषणा की तो धनाधन जमाधन धनाधन हमारे पड़े वालों को भी लगेगा, पहले हमारे लिए करो। तो पहले वो हमारा इंतजाम, पहले जो आप जो करने जा रहे हो पहले हम हमारी पार्टी का इंतजाम करें, आप हमको विचार करके बता देना, 2-4 दिन बाद हम फिर आ जाएंगे। यहाँ तो घाटे का सौदा है, जिसके लिए हम जो रात दिए जो लोगों के लिए वो करते हैं, तो घाटे का सौदा तो हम भी क्यों मूर्ख बने, फिर थोड़ा बहुत हम मसाला उधर ज्यादा डालें। गृह मंत्री बाला बच्चन के इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे पद का दुरुपयोग बताया है। वायरल वीडियो सोमवार रात का बताया जा रहा है। बाला बच्चन बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा सीट से 4 बार के विधायक हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र में जलगांव गांव में पाटिल समाज द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह को वे संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मंत्री ग्रामीणों के सवालों का जवाब दे रहे थे, जिसमें ग्रामीणों ने विकास कार्य के लिए धन की मांग की थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप जो मांग रहे हैं उससे अधिक राशि मैं दूंगा, पहले विचार करें और कांग्रेस में शामिल हों, क्योंकि हमें उन सभी मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं को जवाब देना होगा, अब हम मूर्ख नहीं बनने वाले। इसके बाद भाजपा ने गृह मंत्री पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा न केवल अपने पद का दुरुपयोग है, बल्कि जनता को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए धमकाने का भी मामला है। यह समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया है, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। वे इसकी शिकायत राज्यपाल से करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।